हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड 31 जुलाई 2016 का पूछा गया प्रश्न है, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें 50 प्रश्न इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 50 प्रश्न को आप टेस्ट देकर देख सकते हैं आपका 50 में कितना प्रश्न सही होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी 2002 ईस्वी। क्या दोस्तों का बी 2002 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए 15 मई। क्या दोस्तों का ए 15 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी चितरंजन में। क्या दोस्तों का डी चितरंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए जबलपुर। कहाँ दोस्तों का ए जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, मानचित्र पर बनाई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती। क्या क्वेश्चन दोस्तों, मानचित्र पर बनाई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए कंटस रेखा है। क्या दोस्तों का ये कंटस रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी ताप्ती। क्या दोस्तों का डी ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी स्वेज नहर। क्या दोस्तों का बी स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी सारनाथ में। क्या दोस्तों का सी सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी जेनेवा में। क्या दोस्तों का बी जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दस नंबर चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी गला। क्या दोस्तों का सी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी शरदचंद। क्या दोस्तों का बी शरदचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। क्या क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों, डी जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूचित का संबंध भाषाओं के साथ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी 8वीं। क्या दोस्तों का डी 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है,
सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों होगा? सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए इम्फाल। क्या दोस्तों होगा? ए इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी योजना आयोग पर। क्या दोस्तों होगा? बी योजना आयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एजड़ा कप का संबंध किस खेल से है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, एजड़ा कप का संबंध किस खेल से है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी पोलो से। क्या दोस्तों होगा? सी पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी मार्कोनी। क्या दोस्तों का? डी मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन क्या दोस्तों है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की सृजन करता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए नेकचंद। क्या दोस्तों होगा? ए नेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश का था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश का था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी अमेरिका। क्या दोस्तों का? डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, AIDS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, AIDS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी बी दोस्तों होगा बी एक्स वाइड। क्या दोस्तों होगा? बी एक्स वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सजनो का नियमन करने वाली बॉडी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए सेबी। क्या दोस्तों का? ए सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, पीपल किसका मिश्र धातु। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पीपल किसका मिश्र धातु है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी तांबा और जस्ता। क्या दोस्तों का? सी तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का सूक्ष्म रूप है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन का सूक्ष्म रूप है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी हीरा। क्या दोस्तों का? डी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, नीले के लिस्टम को लाल रंग में बदलता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, नीले के लिस्टम को लाल रंग में बदलता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए अम्ल। क्या दोस्तों का? ए अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए उत्तल लेंस। क्या दोस्तों का? ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, एक माइक्रोकोन बराबर होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, एक माइक्रोकोन बराबर होता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा
बी 0.001 मिमी। क्या दोस्तों का बी 0.001 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, क्या क्वेश्चन दोस्तों, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी भीतर की ओर झुकता है। क्या दोस्तों का बी भीतर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, समांतर कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डॉट डॉट गति को रोकने के लिए किया जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, समांतर कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डॉट डॉट गति को रोकने के लिए किया जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी कक्षीय। क्या दोस्तों का सी कक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में होता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों का बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन दोस्तों है, पेट्रोलियम पाया जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोलियम पाया जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए सेंटीमेंट्री बेसिन में। क्या दोस्तों का ए सेंटीमेंट्री बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों का ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या दोस्तों का डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन दोस्तों है, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या दोस्तों का सी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी राष्ट्रपति। क्या दोस्तों का सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन दोस्तों है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी एडवोकेट जनरल। क्या दोस्तों का बी एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन दोस्तों है, हितोपदेश के लेखक कौन है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, हितोपदेश के लेखक कौन है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी नारायण पंडित। क्या दोस्तों का सी नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, बुल और बियर किससे संबंधित। क्या क्वेश्चन दोस्तों, बुल और बियर किससे संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी स्टॉक एक्सचेंज। क्या दोस्तों का बी स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी 1964 ईस्वी में। क्या दोस्तों का सी 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है, रेड किस देश की मुद्रा है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, रेड किस देश की मुद्रा है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए दक्षिण अफ्रीका। क्या दोस्तों का ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा
सी रियो डी जेनेरो में, क्या दोस्तों होगा सी रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी 11 जुलाई को। क्या दोस्तों होगा बी 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां चलते हैं। 43वां क्वेश्चन दोस्तों है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा, बी भोजक। क्या दोस्तों का बी भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी खान। क्या दोस्तों का बी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन दोस्तों है, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ पर लंगर डाला था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए मसूलीपत्तनम। क्या दोस्तों होगा ए मसूलीपत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर चलते हैं। 46वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग को का पुनर्गठन किसने किया। क्या क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी हर्षवर्धन। क्या दोस्तों का सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर चलते हैं। 47वां क्वेश्चन है, भारत में गुलाब वंश का संस्थापक कौन था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गुलाब वंश का संस्थापक कौन था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या दोस्तों होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर चलते हैं। 48वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी। इसका दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। इसका सही आंसर आपको होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या दोस्तों का जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या दोस्तों का जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर है। 49वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा, डी नाना साहेब। क्या दोस्तों का डी नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर चलते हैं। वीडियो क्लास क्वेश्चन दोस्तों है, 50वां क्वेश्चन दोस्तों है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी एलन ऑक्टोविलियन होम। क्या दोस्तों का एलन ऑक्टोविलियन होम। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।